अगर आप शादी में जा रहे हैं तो तोहफा क्या दें, ये आपके मन में सवाल है, तो एक बेहतरीन उपाय आपके सामने रखते हैं। आज भी हमारे देश में कई ऐसे गांव हैं जहां महिलाएं खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्वच्छता अभियान की एक अनोखी मिसाल सामने आई है। यहाँ के खुर्शीपार के सरपंच ने अपने गाँव की एक बेटी को शादी में तोहफे के तौर पर शौचालय बनवाकर देने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना स्वच्छ भारत मिशन अब देश के ग्रामीण अंचलों में मूर्त रूप लेने लगी है। यह है छत्तीसगढ़ का महासमुंद जिला। इसके बाग बाहरा ब्लॉक के ग्राम खुर्शीदपार की आबादी 1000 है। यहाँ लगभग 100 परिवार हैं, जिनमें से सिर्फ 18 परिवारों के घर में ही शौचालय है और बाकी परिवार खुले में ही शौच करने के लिए जाते हैं। इन्हीं में से एक है आनंद राम साहू और खेमराज का परिवार। 26 अप्रैल को आनंद राम साहू ने अपनी बेटी ओमती की शादी इसी गांव के खेमराज साहू के लड़के केशव से की। दोनों परिवार मध्यम वर्गीय हैं और खेती बाड़ी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। शादी में सभी लोग शुभ मौके पर वर वधु को तोहफे दे रहे थे, परंतु ग्राम खुर्शीदपार के सरपंच प्रहलाद बरिहा ने इस शादी में एक बेहद अनोखा तोहफा दिया, जो कि एक तोहफा ही नहीं बल्कि एक पहल भी है और एक संकल्प भी। सरपंच ने वरवधु के घर में 12,000 रुपयों से शौचालय बनवाने का निर्णय लिया। मेरे मन में जागरूकता हुआ कि मैं भी अपने गांव को स्वच्छ भारत में मतलब गांव को सफल मतलब कार्यक्रम को सफल बनाऊं और गांव को ODF ग्राम पंचायत बनाने का संकल्प मेरे मन में आया। शौचालय अपने घर में सरपंच जी बनवा रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करेंगे और मैं चाहूँगी कि मेरे बहनों या गांव के कोई भी लड़की हो जो जिस घर में शौचालय है उसकी वहीं पर शादी की जाए। सरपंच की इस पहल से गांव के बाकी लोग और लड़कियां काफी प्रभावित हुए हैं और उन्होंने अब नारा दिया है कि हमारी डोली जाए उस घर, शौचालय हो जिस घर। गौरतलब है कि जिले के 545 ग्राम पंचायतों के 1021 गांव में से 900 गांव में शौचालय बनाना शुरू हो गए हैं। रायपुर से राघवेश पांडे की रिपोर्ट, DD न्यूज़।